आज हम मौजूद हैं ऐसे प्रांगण में जिसे जजेस फैक्ट्री बोला जाता है, डॉक्टर भंग अम्बेडकर छात्रावास। ये जो है विश्वविद्यालय का एक ऐसा छात्रावास है जिसने तमाम तरह की जजेस को, हर डिस्ट्रिक्ट में जजेस को जो है, आप यहाँ से जाएंगे तो कोई ना कोई बच्चा आपको जो है इस छात्रावास से मिलेगा किसी भी, और जो भी लॉ के फील्ड का है वो इस हॉस्टल के बारे में बहुत अच्छे से परिचित है। ये हॉस्टल जो है जजेस को बनाता है, और इसी बीच जो है आज यूपी जुडिशरी का जो रिजल्ट आया है उसमें हमारे बीच जो है अनुभव दुबे मौजूद है। अपने संघर्षों को पूरा करते हुए, अपने संघर्षों से लड़, अपने संघर्षों के साथ जीते हुए, अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस छात्रावास में आए और एक जजेस जज के रूप में तैयार होकर इस प्रांगण से अब वो जाएंगे। और ये छात्रावास जो है हर साल जब भी आप कहीं का रिजल्ट देखेंगे, किसी भी प्रदेश का रिजल्ट आएगा, इस छात्रावास से कोई ना कोई जो है मौजूद रहेगा। आइए हम अब मिलवाते हैं अपने नए गेस्ट जो इसी छात्रावास में रहे हैं, अभिनव दुबे जी से। हमारे बीच हैं अनुभव जी, और इन्होंने जो है इस छात्रावास में रहते हुए सिलेक्शन पाया। ये हमारे छोटे भाई भी हैं और बहुत ही होनहार विद्यार्थी हैं, और मैं आपको जो है परिचित कराता हूँ अभिनव जी से, ये अपने बारे में कुछ बताएंगे। हाँ अभिनव जी, बताइए कुछ अपने बारे में। भैया आपको नमस्कार, और मेरा नाम अभिनव कुमार दुबे है। मैं भदोही जिले से हूँ, मेरा ग्राम लसमड़ा, पोस्ट मुरहा और जिला भदोही है। मैंने प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त किया, तत्पश्चात इंटरमीडिएट कॉलेज औराई से हाई स्कूल में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद सत्र 2016-19 में स्नातक कला वर्ग से BHU से उत्तीर्ण किया, और उसके बाद BHU से ही विधि स्नातक में 19-22 के सत्र में उत्तीर्ण किया। तत्पश्चात वर्तमान समय में BHU में ही LLM कोर्स में अध्ययनरत हूँ, और भगवान दास में, अरे सॉरी, अम्बेडकर छात्रावास में रहता हूँ। तो अब जब आप जब अम्बेडकर छात्रावास में आए तो आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? अम्बेडकर छात्रावास, वैसे तो मैं इसके पहले भी 3 छात्रावासों में रह चुका था, LBS, बिरला ए और भगवान दास, लेकिन अम्बेडकर छात्रावास में कुछ अलग लगा कि यहाँ सभी सीनियर भैया थे, और अन्य छात्रावासों में कुमार विश्वास के गानों से सुबह होता था, कुमार विश्वास के गानों से ही सब लोग सोते थे, लेकिन यहाँ हमको लगता है कि बेयर एक्ट के पढ़ाई से सुबह होता है और बेयर एक्ट के पढ़ाई पर ही शाम होता है। तो मतलब यहाँ आने के बाद थोड़ा सा लोगों को जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, और जो अन्य हॉस्टल में या फिर अन्य जगह रहने पर लोग केवल हर एक्टिविटी में रहते थे, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अतिरिक्त दूसरा एक्टिविटी हुआ तो हॉस्टल में खुद ही प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे खेल हुआ, खेल संबंधित फुटबॉल, वॉलीबॉल या फिर क्रिकेट, ये सब खुद ही हॉस्टल के द्वारा करवाया जाता है, लेकिन पढ़ाई पे विशेष ध्यान रहता है। जैसा कि इसको अब जजेस फैक्ट्री भी बोला जाता है जी। तो आप जो है यहाँ से जज बन के निकल रहे हैं, इन्हीं विशेषताओं के कारण शायद इस हॉस्टल को जजेस फैक्ट्री भी कहा जाता है, और इस संस्था को भी। तो अच्छा ये बताइए, आपका जो सफर रहा तैयारी का, आपने प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी की, आप हमारे दर्शकों को, हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप उनको बताइए कि किस तरीके से अपने तैयारी को करें और कैसे अपने अपने जो इनके इच्छाएं हैं, आपकी जो संघर्ष है उसको पूरा करते हुए नौकरी प्राप्त कर सकें जज की। सबसे पहली बात तो जब मैं तैयारी शुरू किया तो जो भी सीनियर भैया वगैरह थे, और फिर उसके बाद साथ के थे स्टूडेंट और हमारे साथ पढ़ने वाले और टीचर, विशेषकर टीचर भी, तो फिर इन सभी का मार्गदर्शन रहा कि कैसे तैयारी किया जाए। और तैयारी में हमने प्री के लिए विशेषकर बेयर एक्ट पर विशेष फोकस किया, और फिर उसके बाद बेयर एक्ट के बाद पहले बेयर एक्ट पढ़ना, फिर उसके बाद MCQ पढ़ना। अच्छा, फिर दोनों में क्या सिमिलर है उस बात को तैयार करना और उसका नोट्स बनाना खुद से। अच्छा, जैसे कि माना जाता है कि लॉ के विद्यार्थियों के लिए GS एक चैलेंजेस रहता है जी, तो आपने GS की तैयारी कैसे की? GS की तैयारी, पहली बात तो ये तो होता है कि लाख विद्यार्थी हैं तो GS पढ़ना मुश्किल होता है, चैलेंज के रूप में लाख में ही विशेष ध्यान रहता है, लेकिन हम लोग के समय हुआ कि LLM का जो प्रवेश परीक्षा होता है वो NTA के द्वारा आयोजित किया जाने लगा, तो उस प्रवेश परीक्षा में 25 क्वेश्चन कम से कम GS से आते थे, तो आपकी तैयारी वहीं से हुई। हमारी तैयारी तो वहीं से हुई पहली बात, और इसके अतिरिक्त हमेशा न्यूज़पेपर पहले से ही पढ़ना, कोई भी तैयारी हो या ना हो, और समय की पढ़ना। हालांकि लॉ की तैयारी के कुछ समय पहले से इसको छोड़ दिया गया था,
लेकिन बहुत पहले से ग्रेजुएशन के दौरान और फिर ला ग्रेजुएशन के दौरान तो उस समय तक पढ़ा जाता था। एक बैरियर जो है जजेस के रूप में जो है माध्यम हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम ये भी एक बैरियर। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं, क्या कोई लैंग्वेज माध्यम हो सकता है सिलेक्शन कराने के लिए या रोकने के लिए? देखिए BHU में लॉ फैकल्टी में एडमिशन लेने के बाद ऐसी धारा थी, जैसे कई सीनियर भैया थे या फिर टीचर वगैरह थे जो भी थे, कई लोगों का ये कहना था कि बैरियर कुछ भी नहीं होता लैंग्वेज का, और कई लोगों का कहना ये था कि बैरियर होता है, जरूरी होता है, जरूरी होता है। और हम लोग के लिए मुश्किल था कि किस स्ट्रेटजी को अपनाया जाए कि लैंग्वेज चेंज किया जाए कि अपने लैंग्वेज में ही दे दें। लेकिन फिर अंदर से ये हुआ कि हमको ये लगा कि सब्जेक्ट पर फोकस ज़्यादा जरूरी है, लैंग्वेज जो भी है वो सेकेंडरी है लेकिन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस है। तो तैयारी में भी यही मेन होना चाहिए कि आप जिस लैंग्वेज को प्रीफर कर रहे हैं, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, तो उसमें आप बेस्ट करें अपना। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कुछ तैयारी के लिए। और तैयारी के लिए पहले तो प्री हो या मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, लॉ की पढ़ाई में बेयर एक्ट का काफ़ी भूमिका होता है, तो बेयर एक्ट पर अपना फोकस होना चाहिए। बेयर एक्ट के अलावा जो भी नोट्स है, क्लास नोट्स है LLB के दौरान, ये सब को पढ़ना चाहिए। और कोशिश क्लासेस की इम्पोर्टेंस है, हाँ इम्पोर्टेंस। और कोचिंग के बारे में आपका क्या रहा है, क्या कोचिंग है कितना सहयोग करती है? कोचिंग मैं तैयारी के दौरान किया नहीं था तो मैं बता नहीं सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि आपकी सेल्फ स्टडी रही। हाँ, क्योंकि LLB करने के बाद, LLM में एडमिशन लेने के बाद तुरंत वैकेंसी आ गया, तो वहाँ तक सोचना भी अलग बात था। तो टीचर का और सीनियर भैया लोग का इन सबका सहयोग रहा, उन्हीं सबके जो उन्होंने मार्गदर्शन किया उसी हिसाब से अपना खुद का नोट्स बनाया। अच्छा, गया और अपने ही नोट्स से। तो अच्छा, ये तो आपने कब डिसाइड किया कि आपको एक जज बनना है? ये तो मतलब ये है कि सोशल जो भी सब्जेक्ट है उनमें पढ़ने में पहले से इंटरेस्ट था। अच्छा, तो बस उसी समय से धीरे धीरे रास्ते पे चलते गए। मंदिर में अभिनव जी, जैसा कि लोगों के सोचते हैं कि इंटरव्यू जाना बहुत कठिन काम है, कि वहाँ पे क्या पूछे जा सकते हैं, तो आपको जो है इंटरव्यू में जब आप पहुँचे तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन हुए, ये आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। इंटरव्यू जब इंटरव्यू का डेट आया तो उस समय बहुत कम दिन बचा था कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे किया जाए कैसे न किया जाए। तो खास करके जो फैकल्टी में टीचर थे और जो सीनियर भैया थे कि जो लोग इंटरव्यू दे चुके थे, तो उनसे मार्गदर्शन लिया गया। लेकिन इंटरव्यू में आप कितना पढ़ते हैं इससे मायने ये रखता है कि आप कितने पॉजिटिव होकर जाते हैं। तो मैंने जो पढ़ा वो पढ़ा, लेकिन लास्ट में जब इंटरव्यू के समय ये था कि जो भी है अपना बेस्ट किया जाए, तो उस हिसाब से इंटरव्यू में जब हम इंटर किए तो पैनल में चार लोग थे, चार सर थे, तो उन्होंने सभी ने लगभग क्वेश्चन किया, तीन तीन चार चार क्वेश्चन, खास करके कॉन्स्टिट्यूशन से थे तीन चार क्वेश्चन, CRPC से दो तीन थे, मुस्लिम लॉ से एक था, IPC से एक था, और लीगल इथिक्स से दो क्वेश्चन थे। और उसके अलावा हमसे मेंस का डेट पूछा गया कि मेंस कब हुआ था, मेंस का तारीख। अच्छा। और उसके बाद मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट थे ये सब पूछा गया, और कितने सब्जेक्ट थे ये सब पूछा गया। उसके अलावा हमसे अच्छा, जो इंटरव्यू पैनल आता है उसका बिहेवियर कैसा रहता है, क्या उन्होंने आपको पहले सरल किया कि आप जो है उनसे बातचीत शुरू कर सकें, या फिर रूड किस तरीके से उनका व्यवहार कैसा रहा पैनल का? हमने तो यही सुना था कि वहाँ पर जाने के बाद पहले ये पूछा जाता है कि आप कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ से आए हैं, ये सब मतलब जनरल क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन हमसे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम जय हुई इंट्री किए सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि आप 2022 में LLB किए, उसके बाद यहाँ हम बोले जी सर। तुरंत उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि मेंस कब हुआ था, डेट बताइए। और उसके बाद ये पूछा गया कि मेंस में कितने क्वेश्चन कितने पेपर थे और सबका नाम बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन थे और प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया आपका जी, और तुरंत वहाँ बैठना, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाना। तो मन में तो अंदर से ये था कि हमसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बनारस के बारे में, BHU के बारे में,
लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया तो थोड़ा वो डिस्टर्बिंग था। हाँ। लेकिन सीनियर भैया का ये सुझाव था कि यदि एक दो क्वेश्चन इस तरह से कोई आता है पहले पहले जिस पर कि आप आंसर सही से न दे पाए या फिर डिस्टर्ब नजर आए, तो उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं। ये सोचिए कि हमारा यदि इंटरव्यू में सभी क्वेश्चन भी गलत होगा तो भी हम मेंस अच्छा देकर आए, हो जाएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव माइंड बनाकर चलना चाहिए। फिर उसके बाद हमसे हिंदी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। हिंदी पर मीन्स ये था कि हिंदी को जुडिशरी का लैंग्वेज होना चाहिए कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लैंग्वेज होना चाहिए कि नहीं, हिंदी अन्य लैंग्वेज को अनबैलेंस बना रही है, मतलब व्यवस्था से हटा रही है, और हिंदी सिनेमा के बारे में पूछा गया, सिनेमा जगत की पूर्वोत्तर का जो सिनेमा है और या फिर साउथ का जो सिनेमा है वो सब उन सबको हिंदी सिनेमा हटा रही है। तो मतलब कि लैंग्वेज से जुड़े हुई चीज़ें आपको इंटरव्यू में फेस करनी पड़ी जी। मतलब ये नहीं, इस बात से नहीं कि आप ये लैंग्वेज चुनकर आए हैं तो इसमें आप कैसा कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। लेकिन हमसे मतलब हिंदी के बारे में थोड़ा इस तरह से था कि हिंदी को किस तरह से ले जाना चाहते हैं आप, यदि हिंदी प्रीफर की अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप हिंदी के महत्व के लिए कुछ तो कारण है कि चुन रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जो हमारा इंटरव्यू पैनल था, जो भी जुडिशरी का इंटरव्यू पैनल था, उसमें तो आपको जैसे तरीके से पहले गए तो आपसे आपको व्यक्तिगत परिचय भी आपको बताना पड़ा? नहीं, व्यक्तिगत परिचय नहीं ना, जैसे इस बार बात है कि कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं बताएगा, यूनिवर्सिटी नहीं बताएगा। हाँ। उनके पास लिस्ट रहती है पहले। हाँ, से हाँ। तो ये सब चीज़ें तो नहीं हुई इस बार। ठीक है, तो आप जो है अपने सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप राह में चल रहे हैं तो वहाँ पर कई लोग कई तरह मिलते हैं, तो उस राह में जितने लोग मिलते हैं जिनसे आप इंटरेक्ट होते हैं सभी लोग आपके जीवन में किसी न किसी रूप में तो सहायक होते ही हैं। तो मेनली ये है, उसके अलावा माता पिता, गुरुजन हुए, दोस्त यार हुए, सभी लोग सहायक हैं, सभी सहायक हैं। ये थे हमारे अनुभव जी, जो जजेस फैक्ट्री से निकले हुए एक नए जज हैं, जिनकी ज्वाइनिंग जो है आप जल्द ही डिस्ट्रिक्ट भी पता चल जाएगा और अपने पदभार को ये संभाल लेंगे, और पूरा उम्मीद है कि ये जो है बहुत अच्छा काम करेंगे और न्याय व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से बनाए रखेंगे। ठीक है, और हम जो है अब आते अब इनको हम अब विदाई देते हैं, और हम जो है आपको एक दर्शन कराते हैं अपने इस हॉस्टल के जजेस फैक्ट्री का। अभी तो हम लोग जिस प्रांगण में खड़े हैं ये पार्क है छोटा सा, जो यहाँ पे लड़के आप ठंडी के समय में आइए तो आपको हर जगह लड़के किताब लेके बैठे हुए मिल जाएंगे, LLB के लड़के, LLM के लड़के, PhD के लड़के। फिलहाल अभी मौसम थोड़ा भारी बारिश का है, कुछ बूंदें भी पड़ रही हैं, तो लोग जो है इस समय है नहीं यहाँ पे, नहीं तो आपको कोई ना कोई पढ़ता हुआ यहाँ पे मिल जाता। और ये है हमारा हॉस्टल, कुल शायद 70 के आसपास में कमरे हैं, और LLB और LLM दोनों क्लास के लड़के इसमें, सॉरी LLB के लड़के नहीं, LLB का हॉस्टल जस्ट बगल में 5 ईयर का। यहाँ पे जो है LLM और PhD के लड़के रहते हैं, और इस हॉस्टल की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये पूरे विश्वविद्यालय का सबसे सीनियर हॉस्टल है। यहाँ पे लड़का डबल ग्रेजुएट करके आता है और यहाँ पे लड़का PhD कर रहा होता है, जो एक तरीके से पूरे विश्वविद्यालय का सबसे सीनियर हॉस्टल है और सबसे शांत। ना तो कभी यहाँ पे आपको कभी लड़ाई झगड़े सुनने को मिलेंगे, ना ही यहाँ, केवल एक माहौल पढ़ने का और शाम को खेलने का। साथ जो है अब हम अपने इस साक्षात्कार को समाप्त करते हैं, और हमारे आप चैनल पर बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।